ये कहानी 17 मार्च 2018 की है। मेरे पास एक कॉल आती है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई, जिशान बात कर रहा हूँ पिज्जा पॉइंट से। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ भाई। बात सुने जी। सर, पैकिंग कर लें दुबई टूर के लिए, वीजा आ गया है। ओ भाई, ये क्या हरकत है? क्यों बड़े भाई, यार अभी से ड्रोन उड़ा रहे हो? भाई शुरू से दिखाओ ना, कब गए, कहाँ से गए, कैसे गए, क्यों गए, किस लिए गए। अच्छा 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 अच्छा, अवैस भाई जरा उनको शुरू से दिखाइए। ये लो भाई। हम जब एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए तो अवैस ने बड़ी खुशी से कहा, आज तो ट्रैफिक कम है, हम जल्दी एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। और फिर क्या हुआ खुद देख लीजिए। टेंशन बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ में सिर्फ 1 घंटे बाकी थे और एयरपोर्ट से हम पूरे 1 घंटे दूर थे। लेकिन हमारे ड्राइवर ने बोला, बटन टेंशन नहीं ले, आपका भाई आपको गोली गोली पहुंचा देगा यार। हम जहाँ खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू होती है, चुपचाप खड़े रहो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान में हमें जुगाड़ नहीं, रूल्स फॉलो करने चाहिए। हाँ, तोड़ दो तोड़ दो। अरे देख लो, सिर्फ कहने को नहीं, कराची वाकई रोशनियों का शहर है। तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एंट्री तो हमने शेखों जैसी मारी लेकिन हादसा हमारे साथ देसियों जैसा हुआ। यार 3 बैग लेके आए थे, 1 बैग मिस हो गया। हम लड़की कह रही है कि आप जाइए वहाँ पे, आप अपने करीबी पुलिस स्टेशन में जाके जो है वो एप्लीकेशन लिखवाइए, फिर हवालदार आएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने कंप्लेन की और 2 मिनट लगा हमें हमारा बैग मिल गया। और उसी खुशी में ओवैस भाई ने मोबाइल निकाल के एक ब्लॉग बनाया। भाई दुबई पहुँच गए हैं, हमारा ट्रैप गायब हो गया था, मिल गया। भाई रुको रुको, बहुत जल्दी कमरे में जाने की, होटल टूर तो कराओ। अच्छा बड़े भाई, ये भी देख लीजिए। और उसके बाद हम सो गए। तो खाना मेरे बाप ने खाया था 4 बजे जाके, वो कौन दिखाएगा? अबे क्या ढूंढ रहे हो? अभी चाय का होटल। चाय का होटल अंडा मोड़ नहीं है, दुबई है। इस वक्त दुबई में रात के 4:30 बज रहे हैं और मैं और ओवैस भाई यहाँ पे खाना खाने के लिए आए। हमारी फ्लाइट असल में यहाँ पर अराइव हुई है तकरीबन 1:30 बजे और खाना खाने का टाइम नहीं मिला। होटल गए, वहाँ पे नहाए धोए, फ्रेश होके बाहर निकले और काफ़ी लेट हो गए। और खाना खाने के बाद हम बड़े भाई अब सो जाए। हाँ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, अभी सुबह बहुत घूमना, सो जाओ। ताजी भाई, यहाँ की भी आपको स्त्री करनी पड़ी, क्या फायदा यहाँ पर आके आपको? नहीं, सिर्फ यहाँ पे आके ही करनी पड़ रही, घर पे नहीं करनी पड़ती, आज सुबह करनी पड़ती है वैसे। लेकिन मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, जो जो लोग घर पे काम नहीं करते, ना स्त्री करते हैं, ना पानी पीते हैं। जैसे नकाश हमारा एक दोस्त, वो कहते हैं मैंने कभी पानी उठ के नहीं पिया घर में, आज वो दुबई में 2 साल से, और आजकल वो आलू की भुजिया बना रहा है, रोटी बना रहा है, खाने बना रहा है, कपड़े इस्त्री कर रहा है, कपड़े धो रहा है,
तो भी बन गया, अच्छी माँ बन गया, अच्छा बाप बन गया, सब बन गया वो दुबई आके। भाई मिलेंगे इंशाल्लाह उससे। गाइस फाइनली हमारा एक दोस्त बहुत अच्छा भाई हमसे मिलने आ रहा है, और नकाश अहमद नाम है उसका, जिसके बारे में आपसे बात कर रहे थे। वो नीचे रिसेप्शन पे, मैं उसको लेके आता हूँ, आप अपना काम करें, काम पे ध्यान दें आप। यहाँ पे घूमने फिरने आएंगे, चलते हैं उसको लेके आते हैं। बहुत अच्छे बात से मुलाकात हो रही है नकाश से। नकाश यहाँ पिछले 2 साल से है दुबई में जॉब कर रहा है। आइए से मुलाकात करते हैं, देखते हैं। ओ हो हो नकाश भाई, कैसा? ये हैं मेरे दोस्त नकाश अहमद, कैसा मुझसे मिलना दुबई। और नकाश बॉलीवुड के एक स्टार से बहुत मिलता है। ए, एक आंख बंद करके गोली चलाना। पालिक की गोली अपना निशाना खुद ढूंढती है जानी। इसी तरह निशाना लगाते रहे तो एक दिन खुद निशाना बन जाओगे। अबे चुप है मेजर, तू स्टोरी पे ध्यान दे। फिर नकाश ने चौड़े में लोखंड वाला एंट्री मारी। अरे मेरी जान कैसा है? तेरे जैसा यार कहाँ, ऐसा यार ना करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार। ये हमारा बहुत अच्छा और बहुत पुराना दोस्त है जी, चिट्ठी लगी है, बहुत पुराना दोस्त है। और देखो मिट्टी साफ भी कर रहा है। और नकाश, सो गाइज फाइनली हम तीन इकट्ठा होगा यहाँ पे, और अब हमारा प्लान है कि हम यहाँ से जाएंगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे, घूमे फिरेंगे, खाना खाना खाएंगे, लेकिन पहले PSL की कुछ तैयारियाँ। अब हम दुबई मॉल जाएंगे और जाके रिजवान भाई से मिलेंगे, रिजवान भाई जिन्होंने रात को हमें रिसीव किया था। तो गाइस फाइनली हम लोग वहां पे आ गए जहां पे सब लोग आके सेल्फी लेते हैं कि आई एम इन दुबई गाइस, आई एम इन दुबई, आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। ये है बुर्ज खलीफा, काफी दूर खड़े हैं हम, अब इसके करीब भी जाएंगे। ये हैं रिजवान भाई, बनना चाहते थे एक्टर, बन गए बैंकर, लेकिन आज भी जब ये किसी फनकार से मिलते हैं तो इनके अंदर का एक्टर जाग उठता है। तो रहे क्या उखाड़ लिया? देखिए यहाँ पे इतनी खूबसूरती से चॉकलेट बह रही है, और हमारे कराची में गटर बह रहे होते हैं ऐसे। इस वक्त अच्छी खासी वॉक करके अभी हमने आधा रास्ता जो है वो कवर किया है, और ये जनाब कह रहे हैं रिजवान कि इतना ही हमें और कवर करना है। गाइस फाइनली हम लोग दुबई स्टेडियम में, और यहाँ पे काफ़ी शोर है, बहुत क्राउड है, और आज काफ़ी हाई पेस मैच की आवाज़ें आपको आ रही होंगी, शोर शराबे की, चीखें चिल्लाने की। बाथरूम जाना है, क्या करूं, सारे बाथरूम भर दिए इन लोगों ने। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, वी सपोर्ट। और यूं PSL 2018 का बुखार दुबई से खारिज हो गया, घर जाएं, पंखा चलाएं, सो जाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद मेरे भाई। व्यूअर्स यहाँ आइए, पूरे दुबई में सिर्फ हमें एक चीज़ टूटी हुई मिली है, वो ये फ़ोन।
जिस पे स्कॉच टेप चढ़ा हुआ, और ये वैसे ही फोन बोल रहा है जो नॉकआउट फिल्म के अंदर इरफान खान यहाँ पे खड़े होकर वो बात कर रहे होते हैं। अरे अरे सर, अरे यू आर इन दुबई बच्चू, आपको मुझसे कोई जोक सुनवाना है, आप जोक में सुना सकता हूँ, आपको गाना गाने की, ये मैं गाना गाता, आप जो बोलोगे मैं करूंगा, मैं शायरी करूंगा, मैं गाना गाऊंगा, मैं डांस करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, आप बोलो मैं रोमांस भी कर लूंगा सर, मेरे को जाना। अरे अरे सर, कितनी बारी लोड कर सकते मुझको डराओगे तुम, बंदूक की नोक पे नचाना अच्छी बात नहीं है, मैं कोई बसंती नहीं हूँ मेरे भाई। तू नाचेगा बच्चू, बे यार ये तो कब जाएंगे यार, आज भी छुट्टी करवा दी इन लोगों ने, कोरा बहुत सुनाएगा यार। दुबई के ट्रेन में घूम घूम के मैं थक गया हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मेरी जिंदगी खराब हो गई। आओ जवान कभी ले आ रही हो, तुम्हारे को जॉब देगा, रे मॉल बनाएगा। अजीब से लोग कौन है बेटा, ये व्लॉग बना रहे हैं। ये सारे ऑफिशियल्स कोट पहन के कहां जा रहे हैं? हुजूर ये मनोड़ा जा रहे हैं मछली पकड़ने। भाई रिजवान भाई का इंट्रोडक्शन तो दो। रिजवान भाई वो शख्सियत है जिन्होंने हमें डे फर्स्ट से यहाँ घुमाया फिराया, हमारे हमारे सारे घूमने बैठने का इंतजाम किया, हमें गाइड किया, अगर ये ना होते ना तो हमारा ट्रिप बकवास था, बिल्कुल बकवास। थैंक यू रिजवान भाई, रिजवान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आप थैंक्स करें सर, आप सब लोग, तमाम ऑडियंस, तमाम व्यूअर्स जो हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो सब थैंक्स करें रिजवान भाई को, बिकॉज उनकी वजह से हमारा ट्रिप है ना अमेजिंग हो गया। बैठे आप गाड़ी में आ जाए। यार ये रिजवान भाई किससे मिलते हैं? एक बहुत बड़ा हीरो है यार बॉलीवुड का, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, क्या बात है, क्या बात है। अरे जरा ये लो चेक करो, जबरदस्त है, ये चलता एक ले लो। बड़े भाई गाड़ी कब ली? यार ये गाड़ी मेरे लिए परसों दुबई आते ही। क्यों? यार वो दही वही लेके आनी होती है ना तो बड़ा मसला होता है, अभी इधर बाइक तो अलाउ नहीं है, कहते 150 से नीचे कोई होनी नहीं चाहिए, 70 वाले तो कचरा है। फिर गाड़ी ले लो, इतनी सस्ती गाड़ी लेने की क्या जरूरत थी? यार दही लाने के लिए ली थी पर बाद में दही खाने का मूड ही नहीं, मैंने यहीं खड़ी कर दी, अब यो भी अल्लाह का बंदा आएगा ले लेगा। तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो? तुम इनकम टैक्स वाले हो, चलो इधर जुली वुली सब मिलेगी आपको। यार किसी का शटर नहीं कि वो उठा के टांग से यूं कर रहा हो, बंद कर रहा हो, शोर कर रहा हो, इधर शीशा बंद करो और चले जाओ, कोई चोरी वोरी नहीं होती। लेकिन एक बात है, ख्याल रखना कभी भी अपनी बेगम को यहाँ लेके नहीं आना, इधर ठीक है पूछ दुबई में, उधर सामने दुबई मॉल में, अगर बेगम को दुबई मॉल ले आए तो तुम्हारा पैसा खत्म, तुम बर्बाद, तुम तबाह होगे, कचरा हो जाओगे तुम, मिट्टी पर तुम 3 डब्बा बेचोगे कराची में, 3 डब्बे ले आ। अवैस यहाँ का पानी इतना साफ कैसे है? ये पानी इसलिए साफ है कि ये सिर्फ पानी है। तो ये था हमारा दुबई ट्रिप जो बड़ी मेहनत से हमने तक पहुंचाया, तो लाइक तो बनता है और कमेंट करके बताइए कि आपको कहां कहां पे अच्छा लगा। अरे सुनिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।